हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको एसपी ट्यूब यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि जो झारखंड पुलिस की वैकेंसी आ रही है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट या दस्तावेज लग सकते हैं। तो हम ये आपको पहले ही सूचित कर दें कि आपको किन किन जरूरत कागजातों की जरूरत पड़ सकती है। तो आइए हम आपको बताते हैं और इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि क्या क्या जरूरी है इस झारखंड पुलिस के फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे को दबाना ना भूलेगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊं आप तक पहुंचे तुरंत। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। झारखंड पुलिस की फॉर्म भरते समय आपको सबसे पहले तो 10वीं पास यानी 10th पास होना आवश्यक है, और दूसरी बात कि आपको निवास प्रमाण पत्र देना आवश्यक है। ठीक है, मतलब आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप किस जिले या किस राज्य के रहने वाले हैं, ये आपको सुनिश्चित करना अनिवार्य है, प्रमाण देना जरूरी है, और आपको जाति प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा। ठीक है, और इन सब में कितने दिन का बना हुआ होना चाहिए ये भी आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा देखने को। ठीक है, आप नोटिफिकेशन देख के ये जान लीजिएगा कि आपको किन डेट के बीच कितने डेट में बना हुआ प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र, ये आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ सकती है, जाति प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ सकती है, और आपको 10th पास की सर्टिफिकेट लगाना आवश्यक है। ठीक है, ये सब चीज आपको होना चाहिए, और आपका एक फोटो चाहिए और सिग्नेचर चाहिए, मतलब 10वीं पास, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र और फोटो, एक सिग्नेचर, आप फॉर्म भरते समय ये अपने पास रख लीजिएगा। ठीक है, और जो व्यक्ति 10th पास यानी 10वीं क्लास पास कर चुका है वही इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। तो दोस्तों झारखंड पुलिस की फॉर्म भरते समय आप इन सब चीजों को अपने पास रखिएगा और पहले से रेडी रखिए। झारखंड पुलिस का फॉर्म 22 जनवरी 2024 से ऑनलाइन शुरू हो जाएगा और इसकी लास्ट डेट है 21 फरवरी 2024 तक लास्ट डेट है। इन सब डेट के बीच में आप अपने फॉर्म को फिलअप करके कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि टोटल सीट 4919 सीट अवेलेबल है झारखंड पुलिस में। ठीक है, और दोस्तों इसमें एज लिमिट की मैं बात कर लूं तो एज लिमिट आपको 1/8/2023 तक आप 18 ईयर्स यानी 18 साल के 1/8/2023 के 23 तक आप 18 साल के पूरे हो गए होंगे तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे एज लिमिट आपको नोटिफिकेशन में दे दिया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से आपको अगर ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस हैं आप तो 100 रुपये का चालान पे करना होगा, अगर आप एसी एसटी हैं तो आपको 50 रुपये का चालान पे करना होगा। ठीक है दोस्तों, आप चालान करना चाहते हैं तो आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या यूपीआई से भी चालान कर सकते हैं। आप इन सब डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए और 22 तारीख आने वाले में आप फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इन सब दस्तावेज को अपने पास रख लीजिएगा, अगर जिसके पास नहीं है वो बनवा लीजिएगा और आप फॉर्म भरवा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद दिल से।